यूएनजीए की कल इमरजेंसी मीटिंग होगी रूस यूक्रेन विवाद पर। कल ये मीटिंग होगी यूएनजीए की और रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है उसी को लेकर ये इमरजेंसी मीटिंग यूएनजीए की बुलाई गई है जो कल होगी। उससे पहले आज कुछ समय बाद 11:30 बजे जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे इस पूरे मुद्दे पर, यूक्रेन के विवाद के मुद्दे पर। क्या वो कहते हैं ये पूरी दुनिया सुनना चाहेगी, उनका रुख जानना चाहेगी। लेकिन अभिषेक, इस बीच पुतिन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। उनकी संसद ने इजाजत दे दी है कि रशियन ट्रूप्स बॉर्डर क्रॉस कर सकते। रशिया अभी भी समर्थन कर रहा था वहां पर मौजूद जो अलगाववादी और विद्रोही थे उन्हें, लेकिन अब बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब सीधे यूक्रेन पर इन्वेजन की तरफ क्या आगे बढ़ रहे हैं वो। देखिए सुमेरे, यहाँ दो चीजें हैं, बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं ये, इसके जो आगे की कहानी वो बड़ी दिलचस्प है। बॉर्डर तो अभी तक जो था वो तो ऑलरेडी क्रॉस करके थे, बैठे हुए थे, लेकिन उसको ऑफिशियल नहीं किया गया था, ऑफिशियल कर दिया गया, इतना फर्क पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि जब उन्होंने ये कह दिया है कि डोनेट्स और लुगानसी दोनों इंडिपेंडेंट नेशन है, तो रसिया की फौज कहाँ जाके रुकेगी? क्या वो आज की तारीख में जो LPR और DPR यानी कि रूसी विद्रोहियों के अंडर में जो जो डोनेट्स और लुगानसी इलाका एक और खबर बता दूं कि पुतिन ने संसद में संबोधन में ये कहा है कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन वुड अलाउ पीसफुल सॉल्यूशन, यानी यूक्रेन को डीमिलिटराइज अगर किया जाएगा तो पीसफुल सॉल्यूशन हो सकता है। यानी वो आगे की बात कर रहे हैं क्या? ये जो संकेत हैं ये किस तरफ संकेत करते हैं? मैं वही बात आपसे कह रहा हूं सुमेरा कि वो रुकेंगे कहां पर? उनकी फौज आ गई डोनेट्स और लुगांस में, ठीक है, लेकिन वो क्या वहीं तक रुक जाएगी? पूरा डोनबास का इलाका, देखिए डोनेट्स और लुगांस का एक हिस्सा उनके पास है, एक हिस्सा यूक्रेन के पास है, 100% ये तय है कि उसको भी वो अपने साथ लेना चाहेंगे। ये खार्किव जहां मैं खड़ा हूं, इसको पहले ही इस पर रशिया की नजर है, इसको वो KPR कहते हैं, यानी कि जैसे LPR है, जैसे DPR है, वैसे ये KPR है, यानी कि खार्किव पब्लिक पीपुल्स रिपब्लिक, इसको भी वो चाहते हैं। और डिमिलिटराइज करने का जो आपने जिक्र किया है, सीधा सा मतलब ये कि वो चाहते नहीं कि इसका कोई अपना इंडिपेंडेंट वजूद रहे, तो ये शुरुआत हो जाएगी। तो डोनेट्स जो है, जो डोनबास का इलाका है, आप मान लीजिए कि वो इनके लिए जिसे कहते हैं कि ट्रायल, जो ट्रायल ग्राउंड है वो इनका ट्रायल ग्राउंड है, और ट्रायल ग्राउंड के बाद ये खार्किव, ये अगली जगह सबसे नजदीक का जो शहर है, ये निशाने पर हो सकता है। तो ये लंबे प्लान्स हैं, ये बात सिर्फ डोनेट्स और लुगांस तक सीमित नहीं है, बिल्कुल बड़ी लंबी है। इसी वजह से अभिषेक, क्या ये जानना जरूरी होगा कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? ये जानना बहुत जरूरी है कि नाटो का अगला कदम क्या होगा, यूरोपियन यूनियन का अगला कदम क्या होगा, यूएनजीए की जो बैठक हो रही है वहां से क्या कदम उठाया जाएगा, क्योंकि रूस यहां से अगर शुरुआत करेगा तो कहां जाकर रुकेगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।